सो गाइस आज मुहर्रम है एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपनी बहन के घर जाने वाला हूँ, तो शाम की मेरी गाड़ी थी 9:30 बजे की। तो मैं वाकई में बहुत लेट हो चुका था एंड देन आज मुहर्रम थी तो हर एक रास्ते बंद थे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि कितनी ट्रैफिक लगी पड़ी हुई है और मैं इसी ट्रैफिक से आया हूँ। जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ एंड मेरे पास दो बैग थे जो आप पीछे देख सकते हो, तो वो व्हीकल पर लेके बैठा हुआ था। मेरा हाथ जो था इतना पेन करने लगा और नारन मुझे छोड़ने आया था एंड जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो बस आए एंड मैं बस में बैठ के निकल जाऊँ, क्योंकि आज मुहर्रम थी ना भाई, तो हर एक रास्ते बंद थे, हर जगह पे ट्रैफिक, रास्ते सारे के सारे बंद। और मुझे जिस रास्ते से आना था वो ज़्यादातर वो एरिया जो था, वो इलाका जो था, वो एक्चुअली मुस्लिम का था। तो जाहिर सी बात है कि आज मुस्लिम का त्यौहार है, तो आज मुहर्रम है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक तो होगी होगी। तो भाई आज बहुत ही ट्रैफिक थी, बट जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकल गया एंड मुझे जहाँ पे पहुँचना था मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि बस आए और बैठ के निकल जाऊँ मैं। ड्राइवर साहब से मेरी बात हुई, ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि बस मैं रास्ते में ही हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बेचारे ट्रैफिक में फंस चुके हैं एंड रास्ता वही है, तो वहीं से ही आ रहे। तो अभी मुझे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करो, बस मैं आ ही रहा हूँ। तो वो भी बेचारे फंस चुके हैं, अभी क्या करें हम। सो गाइस फाइनली आ चुकी है एंड मैं उनको हैंड दिखाऊंगा। इधर वा, इधर वा, इधर वा। वो आ चुकी है, ये आ रही है। तो ये पार्सल तो मैंने डेकी में रख दिया है, अब इसको लेकर मैं बैठ जाने वाला हूँ अंदर। ए महाराज, सो फाइनली आ चुका हूँ और ये गलती है, पीछे देख सकते हो कि शाम की है ये। अब मैं अपने सोफे पे बैठ जाने वाला हूँ। तो गाइस फाइनल मुझे एक्चुअली क्या है ना, मेरा सोफा मिल चुका है, बट अभी पेमेंट करूँगा उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा अंदर। बट पहले तो मैंने अपना वो जो पार्सल था वो मैंने डेकी में रखा दिया है एंड मेरा जो बैग जो था, मेरे पास जो चीज़ें थी वो मैंने अपनी जगह पे रख दी है। अब पेमेंट करके मैं सीधा चले जाऊँगा अपने शॉपिंग पर। तो फाइनली मैं अपनी जगह पे पहुँच गया हूँ एंड बस अब कल सुबह मैं सीधा पहुँच जाऊँगा अपनी बहन के घर, खूब मस्तियाँ करूँगा अपने भांजे के साथ, अपनी भांजी के साथ। सो अभी बस फाइनल मुझे अपनी जगह मिल गई, जैसे कि आप देख सकते हो मैं कैसे बैठा हूँ आराम से, बस खुश मी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूंगा, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलरफुल नेचर के साथ, मैं हूँ आपके साथ। एक्चुअली गाइस क्या है ना कि पूरी नाइट जो थी मेरी ट्रैवलिंग में गई है एंड देखा जाए तो वाकई में बहुत थक चुका था। तो अभी एक्चुअली सो के उठा हूँ मैं एंड नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, दोपहर हुई है तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी अच्छी सी भूख लगी है। मेरी सिस्टर ने किचन में खाना रेडी कर दिया है और अब मैं जाऊँगा खाना खाने के लिए। उनको मैंने पूछ लिया कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बस अभी 10 मिनट में आ जाएगा डाइनिंग टेबल पर तेरा खाना, तो बस थोड़ा सा वेट कर ले। बट हाँ, बस वो लेकर ही आ ही रहे और अब मैं बैठ जाऊंगा खाना खाने के लिए। गाइस सबसे पहले मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा मेरी भांजी से। ये है मेरी भांजी और फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी दिनों के बाद मुझे अपनी भांजी के साथ खाने खाने का मौका मिला है, तो आज मैं अपनी कुत्तू के साथ खाना शेयर करूंगा। इसकी मम्मी और पापा ने कितना खा खा कर इसको बड़ा किया, और ये मेरी बहन भी है जो फाइनली वो भी आ गए हैं, तो आप इनसे भी मुलाकात करिएगा ज़रूर। ये फर्स्ट टाइम मेरी ब्लॉग्स में आए हैं, तो दी आप मेरी ऑडियंस को हाय कर दो। हाय। सो चलो खाना खाने के लिए आ जाओ, वैसे गुजरातियों का काम ही है, आपको सीधा इनवाइट ही करेंगे कि खाना खाने के लिए आ जाओ। अब मेरा जो भांजा है वो पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है, तो वो अभी तक आया नहीं है, और जैसे ही वो आता है ना उससे मैं आपकी मुलाकात ज़रूर कराऊंगा। सो गाइस मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है, मेरी बहन ने बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बनाया था
एंड बस अभी खाना खाने के बाद आपको तो पता ही है कि मैं थोड़ा वॉक करना पसंद करता हूँ, तो अभी मेरा वॉक टाइम था। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया कि योगेश एक काम कर, तो बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है ना, तेरे भांजे को ना ले आ, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने देखा नहीं था इसलिए मैंने अपनी भांजी को बोला, मैंने बोला चल तू मेरे साथ, हम उसको लेकर आते हैं, साथ में मेरा वॉक भी हो जाएगा। तो ये रही थी हमारी क्यूटी पाई। तो बाकी में ये मेरी सिस्टर जो है गांव में रहती है, एंड गांव का जो माहौल होता है कितना शांति वाला होता है, और मतलब जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि मज़ा आ रहा है। मैं अभी 4-5 दिन यहीं पर रहने वाला हूँ। तो मैंने आपको मेरी बहन से मिलवाया, मेरी भांजी से मिलवाया, और मेरे ये छोटे भांजे से मैं आपको मिला रहा हूँ कि ये मेरा छोटा सा भांजा है। तो हम इसको लेने के लिए आए थे यहाँ पर, एंड इसका टाइम ऑलरेडी हो चुका था, एंड मेरी सिस्टर ने बोला कि तू जा जल्द से जल्द उसको ले आ, और वो मेरे को मिस करता होगा। मैंने बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं ले आऊँगा। तो ये था, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। क्या पढ़ा तूने आज? कुछ नहीं पढ़ा। और हाँ, इसके लिए जो गड्डी लेकर आए थे ना, मैं उस पर बिठाऊँगा और इसको घुमाऊँगा अब मैं अच्छे से। मेरा कुच्चू, मेरा बच्चू, मेरा बच्चू ना, मेरा चुच्चू कुच्चू। इतनी बड़ी है, 10 साल की मेरी भांजी है, 3 साल के बच्चे की गड्डी पे बैठ रही है, और ये देखो। सो इसने शुरुआत कर दी अभी गड्डी की, और अच्छे से चला रहा है, घुमा रहा है। फिर से ले आते, एक बार दिखा तो मेरी ऑडियंस को, पीछे जा रहा है। आजा वापिस आ जा। देखा ना, ये है हमारा हीरो, स्कूल में पढ़कर आया और आते ही सीधा गाड़ी ले ली इसने, क्योंकि इसके मामा ने दिलाई है ना बच्चा। ये फुल मौज कर रहा है। एक्चुअली सुबह में आया, 6:30 बजे में आया था, एंड उसने जैसे ही वो पैकिंग देखा, तो वैसे तो पहले सोया हुआ था, फिर मैंने मेरी बहन को बोला, ए आवाज़ बंद कर दे बेटा, मैंने मेरी बहन को बोला, मैंने बोला एक काम कर, उसको बुला बाहर और उसको ये सरप्राइज़ दे। तो सुबह उठा और देखा, खुश हो गया। तो मैंने सोचा बस अभी मज़ा करना भाई, अभी तू और तो क्या। सो हमारा वड़ा पाव रेडी हो चुका है, और पहली बार लूँगा, और अपनी भांजी के साथ मैं करने वाला हूँ चेस। सो चेस, चलो दी आप भी आ जाइए वड़ा पाव खाने के लिए। तो वो ये हमारा खाना अधूरा है, हमारा छाछ के बिना खाना बहुत ही अधूरा लगता है। आप भी बताना कैसा लगता है छाछ के बिना। छाछ पीनी जरूरी है क्या? हाँ, छाछ के बिना खाना बहुत ही अधूरा होता है। ऐसा मतलब ये आप बताना, आप पीते हो या नहीं? नहीं, हमारा छाछ के बिना बहुत अधूरा लगता है। छाछ तो हर कोई पीता, बट आपके गाँव में ज्यादातर ये रिवाज है ना कि खाना खाने बैठते हो तो मतलब छाछ तो चाहिए ही चाहिए। छाछ तो चाहिए। तो चलो आपका ले लेना है आपको, ये लीजिए आपके लिए, शायद वड़ा पाव मैंने रेडी रखा है, मैंने शायद। चलो चेस कर देते हैं हम तीनों मिलकर, चेस वड़ा पाव पार्टी। आप भी आए खाने के लिए, आप आ जाइए गाइस, आपको भी खाना है तो खाना भूले बिना घर पे बनाना होता है। मेरी दी ने बोला है कि आप भी वड़ा पाव घर पे बनाओ और आप भी खाओ। सो मेरा भी ब्लॉग में यहाँ पे एंड करता हूँ, मैं आपको कल फिर मिलता हूँ। 10 से खत्म।